बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज हम बात करेंगे ट्राई मीटाबोल सिरप के बारे में। ट्राई मीटाबोल सिरप है जी पावरफुल स्टिमुलेंट ऑफ एपीटाइट एंड ग्रोथ, यानी भूख की कमी को दूर करता है और विटामिन के इसमें शामिल हैं जो ग्रोथ में मदद देते हैं, बॉडी के ग्रोथ में जो है ना वो मदद देते हैं। अच्छा जी, इसमें हम देखेंगे जी, इसमें मेटोपाइन है, एल लेसाइन है, डी एल कार्निटाइन है, ठीक है। उसके बाद विटामिन जो इसमें है B1, B6 और B12, ये तीन विटामिन इसमें है जी। सामी कंपनी का 120 ml जो है ना इसमें वो सिरप होता है। इसमें हम देख लेते हैं जी, मेटोपाइन जो है ना वो 2.75 mg है, एल लेसाइन है जो वो 250 mg है, और डी एल कार्निटाइन है जो 375 mg है। उसके बाद विटामिन B1 है ये 30 mg है, और B6 विटामिन है ये भी 30 mg है, और विटामिन जो B12 है आपका ये 1000 mcg है, ठीक है। इसके हम जो है ना अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, जो है ना यूजेस इसका जो है ना वो कैसे करना चाहिए और किन लोगों में इनका जो है ना वो यूजेस जो है ना वो बेहतर रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे जी, ये बच्चों की नशोनुमा के लिए और जिनको भूख नहीं लगती, बच्चे या बड़े दोनों में नहायत ही मुफीद है। ये भूख को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाने के साथ ये ग्रोथ में भी मदद करता है, हार्मोन्स की जो है ना ग्रोथ और एक्टिविटी में भी जो है ना उनकी हार्मोन्स की ये हेल्प करता है। 2 साल से लेकर बड़े किसी भी उम्र में ये जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना, 2 साल से ज़्यादा उम्र से लेकर तमाम अफराद जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना इसमें हम देखेंगे जी, इसमें जो है ना एक पूड़ी होती है वो इसमें मिला लेनी है, वो अलहदा से एक साशी होता है, वो हम अभी आपको जो है ना वो खोल के जो है ना दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे जी, इसमें एक पूड़ी होती है वो मिला लेनी है, ये भी अब हमको खोल के, जब आप इसको खोलेंगे ठीक है, इसमें जो है ना ये एक इसमें ये साशी निकलेगा, ये जो साशी है ना ये आपने इसको ऐसे खोल के इस बोतल में जो है ना आपने मिला लेना है, ये इस बोतल में जो है ना आपने ये साशी जो है ना ये वाला आपने इसको ऐसे खोल के इसमें सारा साशी डाल के इसको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद जो है ना ये आपकी जो मेडिसिन है ना ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये साशी मिक्स करने के बाद आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर 20 डेज से ज़्यादा अगर आपने दवाई इस्तेमाल नहीं की या पड़ी रही है किसी वजह से, तो आपने इसको ज़ाया कर देना है, ठीक है, फिर आपने नया सिरप जो है ना वो लेना है। उसके अलावा हम बात करेंगे जी, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ तक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका तरीका इस्तेमाल जी देख लेते हैं, तरीका इस्तेमाल भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, और जो सिरप तैयार करने का तरीका वो भी आप ऊपर लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो खुराक जो है ना बड़ों के लिए 1 से 2 खाने के चम्मच दिन में 3 मरतबा, यानी कि सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा 2-2 चम्मच ले सकते हैं, और बच्चों के लिए 1-1 चमचा दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम 1-1 चमचा जो है ना वो आप दे सकते हैं, ठीक है, उम्र के लिहाज से। उसके अलावा ये देखें जी, सारा कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस्तेमाल के बाद ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें, और जो है ना बाकी ये लिखा हुआ है, दवा लीक होने की सूरत में जो है ना इसको जो है ना वो आप ज़ाया कर दें। उसके अलावा ये इधर लिखा हुआ है जी, अलामात इस्तेमाल नफ्सियाती जज्बाती या नामियाती वजूहात के हयातीन की कमी के सबब गज़ा से अदम दिलचस्पी, यानी कि जिसको नफ्सियाती तौर पे या जज्बाती तौर पे किसी को जो है ना वो अगर भूख नहीं लगती उसके लिए अदम दिलचस्पी, यानी कि वो गज़ा में दिलचस्पी नहीं लेता, मतदी अमराज, निज़ाम हज़म,
में नुक्स लागरियत और जिस्म के गैर मतवाजन नशोनुमा के लिए। इसमें एक बात है जी कि भूख का बहुत ज़्यादा तल्लक आपके नफ्सियात के साथ होता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है आपके नफ्सियाती तौर पे जो है ना, आपको गज़ा की तरफ जो है ना ये रागब करता है। इसमें ऐसे अज़ा हैं जो आपको गज़ा की तरफ जो है ना वो रागब करते हैं, और जो है ना वो आपके हारमोन्स को इस तरफ जो है ना एक्टिव करते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ जी ट्राईमेटाबोल का कम से कम 2 माह तक मुसलसल इस्तेमाल। ये वही बात जी, आप 2 माह तक जो है ना मुसलसल इस्तेमाल करें तो इसके जो है ना नतज आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। इसमें जो है ना एहतियात इसमें भी लिखी हुई है जी, ट्राईमेटाबोल के साथ जो है ना आपने कोई डिप्रेशन वाली अद्वियात जो है ना आपने नहीं लेनी, और यानी ट्राईमेटाबोल हर किस्म की जहरीली असरात से पाक है, लेकिन बाज़ मरीज़ों में ये गनूदगी पैदा कर सकती है। इसके पीने से बाज़ अफराद को गनूदगी हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, इसलिए एहतियातन जो है ना वो कोई ड्राइविंग ना करें, या कोई मशीन वगैरह जो ऐसी मशीनें हैवी मशीनें जो होती हैं जिससे जो है ना ख़तरा होता है कोई आपको जो है ना नुकसान पहुंचेगा, तो वो जो है ना इस्तेमाल आप ना करें। इसकी कीमत की बात करें तो 128 रुपये तकरीबन इसकी कीमत है जी, 128 रुपये इसकी कीमत है। सामी कंपनी की ये प्रोडक्ट है जी।